हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माइंड शेपर अकेडमी सो दिस इज लेक्चर टू ऑफ चैप्टर थ्री अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और इस लेक्चर में हम जो है बात करेंगे कि पॉलीगन की साइड्स और वर्टिस क्या होती हैं उसकी क्लासीफिकेशन क्या होती हैं पॉलीगनस के डाइगनल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और पॉलीगनस के इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं ठीक है तो ये है इस लेक्चर का हमारा फोकस और यहाँ पर हम पॉलीगन से आगे हम शुरू करने वाले हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पॉलीगनस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो अगर आपको कोई कर्व गिवन है तो आप उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉलीगन है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको थोड़ा कर लेते हैं उसकी ओके तो पॉलीगन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है तो कोई भी कर्व अगर तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो एक पॉलीगन होता है ओके सो क्या क्या प्रॉपर्टी है एक बार दोबारा उसके बारे में जानते हैं सिंपल होना चाहिए कर्व क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए कुछ कर्व्स गिवन हैं ओके okay. हमको ये देख के बताना है इन कर्व्स को कौन से कौन कौन से कर्व हमारे पॉलीगन है और कौन से कर्व पॉलीगन नहीं है राइट right. तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम तो क्या ये कर्व सिंपल है तो सिंपल कर्व के लिए हम क्या प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कर्व खुद को क्रॉस तो नहीं कर रहा तो ये कर्व किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा तो एक सिंपल कर्व है क्लोज है यस इसके ओपन एंड पॉइंट्स नहीं है तो क्लोज है क्या लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाए यस yes, ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखिए कर्वी सरफेस नहीं है राउंडनेस नहीं है इसका मतलब ये क्या है दिस इज ए सिंपल करोज एंड इज मेड अपनली लाइन सेगमेंट्स इसका मतलब ये क्या है ये पॉलीगन है राइट right? अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिये सिंपल नहीं है बिकॉज यहां पर क्रॉस कर रहा है ओके okay, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर भी नहीं बना बिकॉज यहां पर देखिए करवी सर्फेस है राउंडनेस okay, है ओके क्लोज है दैट इज फाइन तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है राइट right. आगे आ जाते हैं अब इस कार्य हम बात करते हैं अब यहां पर देखिए ये क्लोज है यस yes, सिंपल है यस बिकॉज क्रॉस नहीं कर रहा तो सिंपल है और कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है तो क्लोज है क्या लाइन है, सेगमेंट से मिलकर बनाए यस yes, ये केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने स्ट्रेट लाइन से कोई भी राउंडनेस या कर सरफेस नहीं है इसका मतलब ये क्या है ये हमारा पॉलीगन है राइट right. ये हमारा क्या है अब इसको देखिए यहां पर इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है खुद को क्रॉस कर रहा है इसका मतलब ये हमारा वैलिड पॉलिकॉन नहीं है बिकॉज ये सिंपल है ही नहीं ये कर्व सिंपल नहीं है और एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती इन तीनों में से तो हमारा कर्व जो है वो पॉलिकॉन नहीं होगा ओके okay? इस पे आ जाते हैं अब यहां पर देखिए क्लियरली यहां पे राउंडनेस है ओके okay? ये कर्व हमारा क्लोज है सिंपल है बट यहां पर देखिए राउंडनेस है ओके कर्वी सरफेस है इसकी इसका मतलब ये जो कर्व है दिस इज नॉट ए पॉलिकॉन राइट तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई कौन कौन से हमारे कर्व जो हैं वो पॉलीगन होते हैं नहीं होते बिकॉज सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा जब भी कोई कर्व गिवन होगा तो पहला तो यही पता होना चाहिए कि वो हमारा पॉलीगन है या नहीं है उसके बाद ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए अब चूंकि हमने जान लिया है कि पॉलीगॉन कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं अब हम पॉलीगॉन्स की साइड्स और वर्टिसेस के बारे में जानते हैं राइट कि पॉलीगॉन्स की जो साइड और वर्टिसेस है वो क्या होते हैं तो जैसे हमको कोई पॉलीगन की वन है जैसे यहाँ पर एक पॉलीगन की वन है तो इस पॉलीगन में क्या है आप देखिए तीन साइड्स हैं राइट एक साइड ये है एक साइड ये है और एक साइड ये है तीन साइड्स हैं ओके और इसके वर्टिसेस कितने हैं तो वर्टिसेस किसको बोलते हैं जहाँ पर दो लाइन मिलकर ज्वाइन होती है कनेक्ट होती है उसको वर्टिसेस बोलते हैं सो so, कितने वर्टिसेस हैं इसमें तीन वर्टिसेस हैं राइट वन टू थ्री तो इस वाले पॉलीगॉन में आप देखिए तीन तो साइड्स हैं एक दो तीन और तीन वर्टिसेस हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं हम ये एक पॉलीगोन हमारा गिवन है राइट right? इसमें अब देखिए कितनी हमारी साइड्स हैं तो एक दो तीन चार टोटल चार साइड्स हैं ओके okay? वर्टिसेस कितने हैं सो so, वर्टिसेस कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर वर्टिसेस हैं ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं हम ये एक पॉलीगोन है इसमें आप देखिए कितनी साइड्स है? तो हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव साइड्स हैं राइट इसमें वर्टिसेस कितने हैं तो वर्डसिस क्या क्या हैं इसके जहाँ पर दो लाइन कनेक्ट हो रही हैं तो एक दो तीन चार पांच तो ये पांच इसके वर्टेसिज हैं राइट तो पांच साइड्स हैं पांच वर्ड हैं एक और पॉलीगन देखते हैं इस वाले पॉलिगोन में देखिए आप कितनी साइड्स और कितने वर्टेसिस हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें साइड्स कितनी है एक दो तीन चार पांच टोटल सिक्स साइड्स हैं राइट वर्डसिस कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो यहां से एक चीज आपको पता लगी आप ध्यान से देखिए कोई भी हम पॉलीगोन लेते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर नहीं करता बट कोई भी पॉलीगोन आप ले रहे हो तो उसके अंदर जो साइड्स हैं और उसमें जो वर्टिसेस हैं उनके जो काउंट है साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल इन नंबर इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि किसी भी पॉलीगन की साइड्स और वर्टिस हमेशा इक्वल होते हैं नंबर में राइट right? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स की कि जो पॉलीगॉन्स होते हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है उनको क्लासिफाई किया जाता है उसमें कितनी साइड्स और कितने वर्टिस हैं राइट right? चाहे तो आप साइड ले लीजिए चाहे वर्टिस दोनों ही सेम है तो उसमें कितने वर्टिस है लेटस से तो उसमें कितने वर्टिस हैं उसके बेस पर हम उस पॉलीगन को क्लासीफाई करते हैं ओके okay? तो सबसे पहला हम पॉलीगन लेते हैं यहां पर कितने वर्टिसेस हैं हमने हैं। यहाँ पर तीन वर्टिसेस हैं। तो इसको, हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे तो ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल का मतलब तीन एंगल तो इसमें देखिए तीन एंगल है एक दो और तीन राइट जब भी दो लाइन आपस में कनेक्ट होती है तो एंगल बनाती हैं जब भी दो लाइन आपस में कनेक्ट होती है तो एंगल बनाती हैं जैसे यहाँ पर एक एंगल बन गया यहाँ पर एक एंगल बन गया यहाँ पर इसीलिए इसको ट्राएंगल बोला जाता है ओके okay, तो इसमें तीन वर्टिस हैं और इसमें तीन साइड्स हैं ओके okay, तो ये हो गया ट्राइंगल आगे आ जाते हैं अब इस वाले पॉलीगॉन में देखो आप इसमें कितने वर्टिसेस हैं केवल वर्टिसेस काउंट करते हैं हम ठीक है बाकी सब भूल जाते हैं वर्टिसेस कितने है? One, two, three, four. Four हैं वन टू थ्री फोर फोर वर्टिसेस हैं ओके तो इसका मतलब इसमें फोर वर्टिसेस हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रीलेटरल क्या बोलते हैं क्वार्रीलेटर जो इस हमारे right? इस में है. तो हमारा इस में ऐसे ही ओके हम okay. आगे चलते हैं अब यहां पर एक पॉलीगॉन की है इसमें कितने वर्टिसेस हैं इसमें हमारे टोटल है पांच वर्टिस राइट right? ये हमारे पांच वर्टिसेस हैं इसको हम बोलेंगे पेंटागॉन क्या बोलेंगे पेंटागॉन राइट right? आगे आ जाते हैं अब हम इस पॉलिकॉन की बात करते हैं इसमें देखिए कितने वर्टिसेस तो, वर्टिसे तो तीन साइड्स है, वर्टिसे हैं उसको बोलेंगे ट्रायंगल चार साइड्स चार वर्टिसेस हैं, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल पांच साइड्स हैं पांच हैं, उसको बोलेंगे पेंटागॉन सिक्स साइड्स हैं सिक्स उसको बोलेंगे हम हेक्सागोन राइट आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये जो है हमारे इसमें कितने वर्टिसेस हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात टोटल सेवन वर्टिसेस हैं राइट तो इसमें कितने वर्टिसेस था? हैं सेवन तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे हैप्टागॉन राइट इसको हम क्या बोलेंगे हैप्टागॉन आगे आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कितने वर्टिसज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट वर्टिस हैं ओके इसको हम बोलेंगे ऑक्टागोन क्या बोलेंगे ऑक्टागोन राइट नेक्स्ट आ जाते हैं अब यहां पर आप देखिए कितने वर्टिस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन वर्टिस हैं ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे नोनागॉन राइट नोनागोन ओके एंड फाइनली हम आ जाते हैं ऐसे पॉलीगॉन में जिसमें कि टेन वर्टिस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे डेकागोन राइट right? डेकागोन ओके okay, तो इसका मतलब आप देखिए कि ट्रैंगल तीन वर्टिस हैं तो उसको ट्रैंगल बोला फोर है तो क्वार बोला उसके बाद क्या होगा पेंटागोन हैक्सागोन हैप्टागोन ऑक्टागोन नोनागोन और साथ में डेकागोन राइट ऐसे ही अगर एनवर्टिस हुए अगर हम कहते हैं एन वर्टिस हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे इन जनरल वी विल से दैट इज एन गॉन ओके okay, तो उसको हम क्या बोलेंगे गॉन एन, एन वर्टिस का मतलब जिसमें एन वर्टिस हैं या एन साइड्स हैं ऐसे पॉलीगॉन उसको हम क्या बोलेंगे एनगोन राइट right? तो यह है क्लासिफिकेशन तो अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पहले तो रिवाइज किया कि भाई पॉलीगॉन क्या होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइडेंटिफाई किया है पॉलीगॉन्स को उसके बाद हमने क्या देखा नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि पॉलीगॉन्स जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस दोनों सेम होते हैं राइट right? उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स हमने देखे वन से लेकर थ्री से लेकर टेन तक कि तीन वर्टिसेस हैं तो ट्राइंगल फोर वर्टिसेस हैं तो क्वाड्रिलेटरल एंड सो ऑन अप टू टेन वर्टिस है तो उसको बोला Decagon, right? और उसके बाद हमने देखा कि अगर टोटल है तो उसको बोलते हैं एनगोन राइट right? यहां तक हमने किया है अब हम जंप करते हैं दूसरे टॉपिक पे दैट इज ऑफ अ पॉलीगन राइट अब डायगनल्स क्या होते हैं एक पॉलीगोन के डायगनल क्या होते हैं तो अगर हमारा हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें पॉलीगॉन में जो कि दो नॉन कंज्यूकेटिवर्टिस को ज्वाइन करें ऐसा लाइन सेगमेंट राइट तो उसको हम बोलेंगे डाइगनल उस पॉलिकॉन का और ऐसे क्या हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे डाइगनल हो सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हो इट डिपेंड्स ऑन कि उसमें हमारे कितने वर्टिसज हैं ओके तो अभी शायद आपको समझ में नहीं आया हो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं ये हमको एक पॉलीकोन गिवन है राइट right? अब ये पॉलिकॉन में कितने वर्टिस हैं टोटल चार वर्टिसज हैं ओके okay? कितने वर्टिस हैं चार वर्टिस है. इनको हम नाम दे देते हैं ठीक है तो एक हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी ये हो गया डी तो ये हमारा क्वाडरी है जिसमें चार वर्टिसेस हैं राइट अब इसमें अगर हम ए को पकड़ते हैं तो इस वर्टेक्स के कितने वर्टिसेस हैं एक एक तो ये और एक ये और कॉन्जिकटली इसके बाद कौन सा आता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला और ये वाला वर्टिसेस का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस तो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है बी ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है डी ओके ओके ए के साथ क्या कनेक्टेड नहीं है सी तो हम क्या करते हैं ए से लेकर सी के बीच में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं और ये हो गया एक डायगनल राइट right? तो हमने क्या किया ए को लिया और हमने सारे वर्ड चेक किए जैसे बी चेक किया तो क्या बी इसका कॉन्जिवर्ट वर्टेक्स है यस यस इसका वर्टेक्स है yes, तो इसको छोड़ देते हैं सी पे गए और ए और सी के बीच में हमने बिकॉज इसका कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है सीधा कनेक्टेड नहीं है तो हमने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी अब यहां तो ऑलरेडी लाइन प्रेजेंट है आप ड्रॉ क्या करेंगे इसमें ड्रॉ करनी ही नहीं है आपको बट यहां पर क्या है कोई लाइन है ही नहीं है एस सी के बीच में आपने ड्रॉ कर दी तो बन गया डायगनल राइट ऐसे ही अगर हम बी पे जाते हैं तो बी के कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हैं ए तो बी के बीच में एक लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है बी का कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है ए और सी तो ये दोनों इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेसिस हैं डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेसिस हैं ओके बट डी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो अगर हम बी से डी पे एक लाइन डाल दें तो ये बन गया हमारा एक डायगनल दूसरा डायगनल इस पॉलीगॉन का राइट तो इस पॉलीगॉन के देखा जाए तो टोटल टू डायगनल हमको मिले एक मिला ए और एक मिला बी अगर हम सी पे आते हैं तो सी में देखिए इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्ड कौन से हैं बी ओ डी राइट और ए क्या है नॉन कॉन्जिक्यूटिव है बट इसके बीच में ऑलरेडी डायगनल हम ड्रॉ कर चुके हैं तो दूसरा डायगेल ड्रॉ नहीं होगा राइट तो इसका मतलब ये डायगनल जो है ये ए से सी बी है और सी से ए बी है ऐसे ही हम डी पे आ जाते हैं डी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं सी और ए बट बी जो है इसका कॉन्जिक्यूटिव नहीं है राइट right? तो यहां से लेकर यहां तक इसका डायगनल एक ऑलरेडी प्रेजेंट है राइट right? तो इसका मतलब इस पॉलीगोन में टोटल देखा जाए तो केवल दो हमारे हैं एक डायगनल तो है ए सी राइट और दूसरा डायगनल है डी बी डी से बी पे तो इस पॉलीगोन के टोटल दो दो डायगनल्स हैं राइट right? आगे आ जाते हैं अब ये हमारा पॉलीगोन जो है ये कौन सा पॉलीगोन है वर्ड काउंट करते हैं इसमें एक दो तीन चार पांच छे टोटल छह वर्टिसेस हैं इसका मतलब ये क्या है हेक्सागॉन राइट right? ये कौन सा है हैक्सागॉन अब इसमें जो इसके वर्टिसेस हैं उसको हम कॉल करते हैं ए बी सी डी ई एफ ठीक है अब हम ए पॉइंट को पकड़ते हैं और डायगनल आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं बी और एफ और कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सी डी और ई e. तो ए से हम सी पे लाइन डाल देंगे ए से हम डी पे लाइन डाल देंगे ए से हम ई पे लाइन डाल देंगे तो हमको तीन डायगोनल्स मिल जाएंगे राइट right. तो ए वर्टिस से हमने तीन लाइन ड्रॉ की तीन नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिस को कनेक्ट कर दिया और हमको तीन डायगनल मिल गए अब आ जाते हैं बी पे अब बी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं एक तो ए है और इसका ए कॉन्जिक्यूटिव है सी राइट right. और कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नहीं है डी नहीं है ई e नहीं है एफ नहीं है इसका मतलब अगर मैं बी से डी पे एक लाइन डाल दूं, बी से ई e पे एक लाइन डाल दूर डी बी से एफ पे एक लाइन डाल दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे को तीन और डाइगनल्स मिल जाएंगे राइट right. तो तीन डायगनल और मिल गए तो टोटल हो गए छह डायगनल तो तीन एंड एन तो e. और, और मिल गए e तो तो सी right? के कॉन्जिक कौन कौन से हैं सी बी और सी डी ठीक है तो बी ओडी जो है कॉन्जिक राइट right. इसके अलावा कौन से हैं ए एफ और ई e. अब सी से ए पे ऑलरेडी डाइगनल अवेलेबल है तो इसको छोड़ देते हैं राइट right?

दो डायगोनल्स हो गए हमारे आ, रेड और वन डायगनल हो गया हमारा ब्लू तो टोटल जो है एक अगर हम हेक्सागोन लेते हैं तो उसके टोटल डायगोनल्स कितने होते हैं नाइन राइट एक हेक्सागोन के टोटल डायगोनल्स कितने होते हैं नाइन आगे आ जाते हैं एक और पॉलीगोन देखते हैं अभी जो पॉलीगोन है इसमें आप देखिए कितने डायगेल्स हैं टोटल तो हमारे वर्ड कितने हैं वर्टिसेस में एक दो तीन चार तो मतलब ये क्या है हमको करने हैं। तो हम पहला वर्टेक्स हैं इसका, A. A के कौन कौन से हैं डी कॉन्सिक्यूटिव है और बी कॉन्सिक्यूटिव है राइट कौन सा नहीं है कॉन्सिक्यूटिव सी तो ए से लेकर सी पे एक लाइन डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा वी विल गेट वन डायगनल ए सी ओके अब हम आते हैं बी पे अब बी में हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं ए है और सी है बट डी जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कॉन्जिक नहीं है बी का इसका मतलब एक लाइन हम बी से डी पे ड्रॉ कर देंगे तो वो हम आ हमारा आ जाएगा दूसरा डायगेल बी डी राइट अब आप डी पे आ जाते हैं डी के जो कॉन्जिक्यूटिव है वो कौन से हैं ए और सी और बट बी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है बट यहाँ पर ऑलरेडी डाइगनल हम ड्रॉ कर चुके हैं ओके नेक्स्ट है हमारा सी तो सी पे आप देखिए कि सी जो है सी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं सी के डी और बी ए नहीं है सी और ए के बीच में ऑलरेडी डायगनल है इसका मतलब ये जो डायगनल हमारा है ये हमें दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे कितने डायगनल है टोटल दो डायगनल है राइट तो ये है डायगनल्स के बारे में तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो हमको हर नोड से हर दूसरा नोड कनेक्ट करना है अगर आप ध्यान से देखें ए है

हर एक नोड से हर दूसरा नोड कनेक्टेड होगा या तो वो कनेक्ट होगा एज ए साइड या होगा डायगेल तो ये बड़ा सिंपल तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का तो इस वाले पॉलिकॉन में हमारे दो डायगनल है अब आगे बात करते हैं हम इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए एक करके किसी भी करो का इंटीरियर इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है तो आप देखिए ये हमारा एक एक पॉलिकॉन है अगेन दिस क्वार लेटरल बिकॉज इसमें चार वर्टिस हैं राइट right? तो इसके जो अंदर का पार्ट है बिकॉज ये क्लोज्ड होता है पॉलिकॉन क्या होता है पॉलिकॉन क्लोज्ड होता है सिंपल होता है क्रॉस नहीं करता अपने आप को और पूरी तरह क्लोज होता है, कोई ओपन एंड पॉइंट नहीं होते हमने देखा है ये राइट तो ये एक पॉलीकोन है अब जब भी कोई चीज क्लोज होगी उसमें एक बाउंड्री होगी तो उसके अंदर का पार्ट एक होगा एक बाहर का पार्ट होगा तो जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर तो जिसका अंदर का जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं इंटीरियर और जो बाहर का पूरा जो बचा हुआ पार्ट है जिसका कोई एंड end, मतलब एंडलेस पार्ट है बाहर का बिकॉज बाहर तो कितना भी आगे बढ़ सकता है आपके कैनवस पे डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लेन लेके बैठे हैं आप राइट right. तो जो अंदर का पार्ट है जो उस बाउंड्री के अंदर का पार्ट है उसको तो बोलते हैं इंटीरियर और उसके जो बाहर का पूरा पार्ट है उसको हम बोल देते हैं एक्सटीरियर ठीक है तो दो चीज होती हैं एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखिए हमने बाउंड्री के बारे में बात नहीं की बाउंड्री मतलब ये जो पॉलीगोन का जो हमारी बॉर्डर होता है ना उसके तो उसको बोलते हैं बाउंड्री तो तीन चीजें बेसिकली हो गई एक हो गया इंटीरियर राइट एक हो गया एक्सटीरियर एक अंदर का भाग एक बाहर का भाग और एक हो गया पॉलिगोन के ऊपर का भाग जिसको हम बाउंड्री बोल रहे हैं ठीक है तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बाउंड्री इंटीरियर एक्सटीरियर ओके। एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है रीजन का कि रीजन किसको बोलते हैं तो अगर आप इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को कंसिडर कर लें तो वो बन जाता है हमारा रीजन ठीक है सो दिस इज अबाउट पॉलीगॉन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीगॉन एज वेल एज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं एंड दैट इज इन साइड आउटसाइड एंड ऑन द कर अब इसका मतलब क्या है अगर हमको पॉइंट गिवन है कोई लेटर से यहाँ पर तीन पॉइंट गिवन है जैसे ए एक पॉइंट है ठीक है बी एक पॉइंट है और सी एक पॉइंट है तो डिपेंडिंग ऑन की ये पॉइंट हमारे कहाँ पे लाई करते हैं ये पॉइंट हमारे एक्सटीरियर में लाई करते हैं

तो इसको हम बोलेंगे द पॉइंट ओन द कर्व ठीक है और अगर कोई पॉइंट हमारा एक्सटीरियर में प्रेजेंट है राइट right? तो जैसे कि यहां पर है हमारा पॉइंट ए तो उसको हम बोलेंगे आउटसाइड द कर्व ठीक है सो ये जो है ये हमारे लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉइंट वेदर दैट इज इन साइड आउटसाइड और ओन द कर्व वो डिपेंड करता है वो कहां पे लाई करता है इंटीरियर में लाई करता है तो इनसाइड एक्सटीरियर में लाई करता है तो आउटसाइड और अगर कर के ऊपर लाई करता है तो ओन द कर ठीक है तो ये था हमारा फाइनल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसके साथ हम ये लेक्चर फिनिश करते हैं तो आज के लेक्चर में जो भी हमने देखा उसको हम एक बार देख लेते हैं हमने पढ़ा साइड्स एंड वर्टिसेस के बारे में पॉलीगॉन्स की साइड्स एंड वर्टिसेस इक्वल होती हैं सेम होती हैं हमने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगॉन किसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ साइड्स फिर हमने देखा कि पॉलीगॉन्स के डाइगनल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है और उसके बाद हमने बात की एक्सटीरियर एंड इंटीरियर क्या होते हैं पॉलीगॉन के तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमने इस लेक्चर में स्टडी किए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वन इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स एंड द सेकेंड वन इज रेगुलर एंड इेगुलर पॉलीगॉन्स सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अगर कोई भी आपको डाउट है कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड वी विल गेट बैक टू यू विद रिस्पॉन्स Thank you very much for attending this lecture. See you again in the lecture with these topics. Until then, bye bye.